नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज, व्हाट कुड बी द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन अर्ली एडोलेसेंट ईयर्स टू गो इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डेवलप इंटरेस्ट इन स्कूल। एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो यहां पर रुचि विकसित करनी है हमने, हम यहां अगर देखें तो हमें रुचि विकसित करनी है और प्रदर्शन में सुधार करना है। वी हैव टू इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डेवलप इंटरेस्ट इन द स्कूल। ये दो चीज हमें करनी है। तो यहां पर हम कंपटीशन और पीयर प्रेशर को बढ़ाएं, सहपाठी के दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं, तो ये हमारे पास ठीक नहीं है। इंड्यूस फियर ऑफ टेस्ट स्कोर एंड फेलियर और लर्न हेल्पलेसनेस करें, अधिगम की असहायता करें। किसके माध्यम से? परीक्षण अंक और असफलता के डर से। तो डर भी अब हमें नहीं देना है। इंप्रूव इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हम अधिगम कार्यों प्रक्रियता विकसित करके उनकी बौद्धिक क्षमता और आंतरिक प्रेरणा में सुधार करें, तो ये हमें ठीक देखने को मिलता है। प्रोवाइड रिवॉर्ड इंसेंटिव, पुरस्कार और प्रोत्साहन, तो ये बाह्य हमें देखने को मिलता है, ये एक्सट्रिंसिक देखने को मिलता है। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में से हमें चुनना हो तो हमेशा आंसर क्या होता है, हमेशा हमें आंसर आंतरिक अभिप्रेरणा दिखेगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन दिखेगा, इसीलिए उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। Which of the following is not a substage of Piaget's sensory motor stage? निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उपअवस्था नहीं है? तो यहां पर not पूछा गया है ऑफ प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज, कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित नामक अवस्था की उपअवस्था नहीं है पूछा गया है। अब अगर हम देखें तो यहां पर हमें देखने को मिलता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ये हमारे पास फर्स्ट सब स्टेज देखने को मिलती है, ये पहला उपअवस्था है हमारे पास। फिर इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी के बाद प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये हमारे पास हमें थर्ड सब स्टेज देखने को मिलती है। थर्ड सब स्टेज हमारे पास प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है और फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन हम देखते हैं, ये फोर्थ सब स्टेज देखने को मिलती है। तो टोटल 6 सब स्टेज हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमारी क्या है, प्याजे के हमें सेंसरी मोटर स्टेज यानी हम प्रथम अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था में देखते हैं। सीरिएशन इसका पार्ट नहीं है, सीरिएशन एक हमारे पास किसका है, सीरिएशन हमारे पास प्री ऑपरेशन है, ये एक पूर्व संक्रिया है जो कि हमारी सेकंड स्टेज में होती है, ये द्वितीय अवस्था में आती है, इसीलिए उत्तर हमें यही देखने को मिलता है। 6 सब स्टेजेस हैं जो कि हमें इसमें देखनी होती हैं प्याजे की अवस्था में, और उन 6 सब स्टेजेस के हिसाब से हम काम करते हैं, तो उत्तर यहां हमें चौथा देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी मीन्स, बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने दो, टोटली फ्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने दो। पुटिंग द चिल्ड्रन इन द सेंटर एंड ऑब्जर्विंग, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, हम सेंटर एंड ऑब्जर्विंग देम, बच्चों केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना। फिर गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो बच्चों के आवाजों को और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना, बच्चों की आवाजों और उनकी सक्रिय सहभागिता को, और आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने तथा नकल करने के लिए कहना। तो यहां पर ना तो हम बच्चों को नकल करने के लिए कहते हैं, ये 3 चीजें हमें देखने को मिलता है कि हम बच्चे को फ्री छोड़ें या बच्चे को सेंटर में रखें, केंद्र में रखें, या बच्चों को सक्रिय सहभागिता दें। तो यहां पर अगर हम टोटली फ्री करें, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने दें, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता, ये प्रकृतिवाद होता है, नेचुरलिज्म होता है। ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये प्रकृतिवाद देखने को मिलता है, ये हमें नेचुरलिज्म देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं पुटिंग द चिल्ड्रन इन द सेंटर एंड ऑब्जर्विंग, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, इसे अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, यहां पे हम बच्चों को सेंटर में रख के ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इससे पेडागॉजी कैसे हुई,
हम जब अवलोकन करेंगे तो इससे पेडागॉजी कैसी हुई, अवलोकन असेसमेंट तो दे सकता है, आकलन तो दे सकता है, लेकिन हमें क्या नहीं दे सकता, पेडागॉजी नहीं दे सकता। तो हमें पेडागॉजी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों को प्राइमेसी देनी पड़ेगी, बच्चों को हमें प्रमुखता देनी पड़ेगी। ये प्रमुखता हम कैसे दे सकते हैं, उनको सक्रियता में सहभागिता देकर, उनको पार्टिसिपेशन एक्टिवली देकर, और दूसरा उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को समझकर, यानी बच्चों की आवाज़ों को, बच्चों की बातों को महत्व देकर। इसीलिए उत्तर यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सट्रीम डेफिसिट्स इन सोशल अंडरस्टैंडिंग इज कॉमन इन व्हाट चाइल्डहुड डिसऑर्डर, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। अब यहां पर हम सामाजिक समझ का अभाव देख रहे हैं, यहां पर हम सोशल अंडरस्टैंडिंग का डेफिसिट देख रहे हैं। जब हम सोशल अंडरस्टैंडिंग का डेफिसिट देखते हैं तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है, कहां बच्चे के सोशल डेफिसिट में कमी देखने को मिलेगी, सोशल डेफिसिट में ऑटिज्म, आत्मविमोह में कमी देखने को मिलती है। अगर हम बाकी देखें विकारों को तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे है, ये हमारे पास हमारे रीडिंग से डिसऑर्डर रिलेटेड है, ये पठन से विकार है। वहीं डिसकैलकुलिया बात करें तो ये मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए हमारा डिसऑर्डर है, ये गणित संबंधी विफलता का विकार है। वहीं पर हम एडीएचडी की बात करें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, तो ये क्या करता है एडीएचडी, ये लैक ऑफ अटेंशन है, अवधान की हीनता है, हमें अवधान की हीनता देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमारे पास सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव होता है बच्चा, यानी चाइल्ड कैन नॉट सिट एट वन पॉइंट, बालक एक जगह ना तो बैठ पाता है और ना ही चल पाता है, ना ही ध्यान लगा पाता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, ना तो बच्चा एकाग्र हो पाता है और ना ही बच्चा क्या करेगा, ना ही बच्चा हमें देखने को मिलेगा एक जगह बैठ जा पाता है, इसे हम अति सक्रियता कहते हैं। तो ध्यान का अभाव और अति सक्रियता हमें देखने को मिलती है, इसीलिए उत्तर यहां पर चौथा है। अगले क्वेश्चन को देखें। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रपोज्ड बाय, व्यक्ति का मानवतावादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जब हम मानवतावादी सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, तो यहां पर हमें पेवलोव और कार्ल जंग, तो पेवलोव हमें देते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ये हमें देते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, वहीं पर कार्ल जंग हमें देते हैं क्या, कार्ल जंग हमें साइकोएनालिटिकल थ्योरी देते हैं जिसमें वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं। तो ये हमारा साइकोएनालिटिकल है, ये हमारा मनोविश्लेषणात्मक है, जिसमें इन्होंने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की थ्योरी दी, अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता का सिद्धांत दिया, अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता का सिद्धांत दिया। वहीं पर अगर हम मास्लो की बात करें तो मास्लो हमें आवश्यकता पदानुक्रम देते हैं, ये बात करते हैं किसकी, नीड्स की। और अगर हम रॉजर्स की बात करें तो रॉजर्स बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, आत्म अनुभूति की। और ये दोनों माने जाते हैं जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी, जिन्होंने मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया, मास्लो और कार्ल रॉजर्स दोनों ही इसके हमें सही आंसर देखने को मिलते हैं। अब्राहम मास्लो जो देते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का, जो एक मानवतावादी सिद्धांत माना जाता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, आत्म अनुभूति के ऊपर कार्ल रॉजर्स देते हैं, और ये दोनों ही माने जाते हैं कि ये हमारे मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर पहले दोनों ऑप्शन रहेगा।
तो साथियों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और खुशियों को, निर्माणवाद को प्रचार और प्रसार करें। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।